भाई 10 तारीख को पता चल जाएगा कि मैं किन की बातों को बोल रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि मेरा समर्थन कभी भी महागठबंधन को नहीं, मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए ही रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। कौन सा प्रलोभन दिया? मैं आपसे आग्रह करूँगा, मेरा मैनिफेस्टो प्लीज़ ले जाइए, मैं भिजवा भी दूँगा। माझी जी को जानकारी नहीं है, पढ़ना चाहिए उनको बोलने से पहले, मेरा मैनिफेस्टो पढ़ें। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे। चिराग पासवान का आगमन नवादा में हुई है, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ जो है अति जीतन राम मांझी जो है उनके द्वारा कमेंट किया। जीतन राम मांझी आप पे सवाल कर रहे थे, आप वोट करवा है? कोई बात नहीं, जो बोलना बोल दीजिए। थोड़े समय पहले तो पिताजी के लिए अपनी संवेदना वो प्रकट कर रहे थे, आज उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को वोट कटवा कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी तो संवेदना रखिए उनके निधन को। अभी कुछ दिन नहीं हुए, कल उनकी 13वीं थी, परसों उनकी हम लोग 13वीं करके आए हैं और उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के लिए इस तरीके से ये सम्मान दे रहे हैं वो पिताजी को। उन्होंने एक सवाल और भी कहा था, आप राजद की बातों को बोल रहे, राजद जो आपको बोल रहे हैं कि कह रहा है वो आप बात को कह रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ? भाई 10 तारीख को पता चल जाएगा कि मैं किन की बातों को बोल रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि मेरा समर्थन कभी भी महागठबंधन को नहीं, मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए ही रहेगा और किसी के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी की बात की, उसी तरह से आप भी इसी तरह से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। कौन सा प्रलोभन दिया? मैं आपसे आग्रह करूँगा, मेरा मैनिफेस्टो प्लीज़ ले जाइए, मैं भिजवा भी दूँगा। माझी जी को जानकारी नहीं है, पढ़ना चाहिए उनको बोलने से पहले, मेरा मैनिफेस्टो पढ़ें और उसमें मैंने क्या प्रलोभन दिया है उसको भी एक बार देख लें। जनता के सुझाव से बना हुआ है ये मैनिफेस्टो है, 4 लाख बिहारियों के सुझाव से। मतलब आप 4 लाख बिहारियों की बुद्धि विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये गलत बात है। बिहारियों को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। नवादा में अपने प्रत्याशी के लिए आया, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि पूरी नवादा की जनता, हमारे दोनों प्रत्याशी शशि भूषण जी हों, हमारे रंजीत जी हों, एक नवादा से लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों के लिए, गोविंदपुर से जो लड़ रहे हैं दोनों के लिए, मैं चाहता हूं कि भारी संख्या में अपना मत दें। और ये बात क्लियर है, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी, हर सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पर हम लोग को कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्रत्याशी की जीत में जिस तरीके से हम लोग को जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ कर आ रहा है, हम लोग की प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत है ये सुनिश्चित है। कितने सीट पर आप जीत हासिल करेंगे, क्या लगता है? कम से कम मुख्यमंत्री की पार्टी से तो बहुत ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी और मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये इस पर। आपने सुना था चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री तो ज़्यादा सीटों पे ये सीट आती जीत हासिल करेंगे। इन्होंने कहा था नवादा में चुनाव प्रचार को लेकर अपने प्रत्याशी के लिए नवादा पहुँचे हैं, जहाँ पर दो सीट पर चुनाव के लेकर प्रत्याशी इन्होंने नवादा में दिए। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।